नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 28 अप्रैल 2022 की और ये आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, उसके थ्रू 5paisa में अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफर करके स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा जहाँ से आपको जो है ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। ऑल्सो आज मैं आपको अपना एक ट्रेड दिखाऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि मनी मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, क्योंकि सूनो लेटर आप एक गलत ट्रेड में फंसेंगे तो कैसे आपको जो है उसको सही करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल मैंने ट्विटर पे एक ट्रेड दिया था, 16600 पुट लेनी थी मई मंथ की और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि बाजार शायद ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो जैसे ही ये वो ट्रेड दिया गया था 17050 पे, तो आज जो है जैसे ही हमें ये पहली ग्रीन बार मिली तो ये बहुत क्लियर हो गया कि मार्केट जो है 17100 क्रॉस कर रही है और उस ट्रेड में कुछ 20 पॉइंट उस वक्त जा रहे थे, बहुत आउट ऑफ मनी था और उसमें थीटा डीके भी नहीं था। तो हमने उस ट्रेड को काटा और 5 मई की हमने 17200 की कॉल ले ली। तो उससे क्या हुआ कि जो वहां 20 पॉइंट गए थे, यहां पर जो है हमें उसकी जगह 110 पॉइंट मिल गए। तो इस तरह से आपको जो है एक गलत ट्रेड को सही करना पड़ता है। अगर आप ये इस तरह का ट्रेंड लाइन दिखाएं तो बहुत क्लियर था कि जैसे ही ये हाई निकलेगा तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग शुरू हो जाएगी। ऑल्दो एंड में कुछ हद तक नीचे आया, बट मेरे ख्याल से ये बाजार अभी भी स्ट्रांग है और आपको जो है फर्दर अपसाइड मिलनी चाहिए। अब वो उसकी वजह क्या है ये देखें, ये रेंज है जो आप 1 2 3 4 5 6 7 दिनों से आप इस रेंज में हो और सूनर और लेटर इस रेंज से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आप अपने 200 डीएमए के पास हो जो कि 16750 पे है, तो यहां से अगर आप निकलते हो तो एक वापस एक्सपेंशन जो है वो चालू हो सकती है। और सिमिलरली अगर हम इसके नीचे निकलते हैं तो डिक्लाइन शुरू हो सकता है। आज एफआईआई ने 750 करोड़ खरीदे हैं, लेकिन मैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लूंगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी। एक जानकारी आपको और देनी थी कि अगर आपको जो है ट्रेनिंग सेगमेंट में कोई प्रोडक्ट चाहिए तो हमारा एक मेंटरिंग प्रोडक्ट है जिसमें आप हफ्ते में 3 दिन हमारे साथ 2 2 घंटे बैठेंगे और मार्केट को व्यू कैसे करना है उसको आप समझेंगे, क्योंकि हमारा एक यूनिक स्टाइल है जो कि टेक्निकल और सब्जेक्टिव दोनों को मिक्स करता है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो 9871066337 पर कांटेक्ट करें। और ये प्रोडक्ट 1 मई से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे अब बैच ऑलमोस्ट फुल हो रहे हैं, तो अगर करना है तो अभी भी मौका है। अब इस वक्त देखें कि
SPX क्या है, जो कि S&P 500 है। अब यहां हम देख रहे हैं कि ये भी एक तरह की अपनी लोअर एंड ऑफ दी रेंज पे खड़ा है, ठीक है। बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये इसको फिलहाल ब्रेक नहीं कर रहा है, और ऐसा लगता है कि ये भी अब एक जो है कॉर्नर में आ गया है, जहां पे इसमें इमीडिएट डाउनसाइड कम हो सकती है। सिमिलरली तो ये नीचे से 4190 से अभी जो है 4218 तक आ गया है। ये 5 मिनट का चार्ट है। नैसडैक देखें, नैसडैक भी गैप अप हुआ, उसके बाद ताबड़तोड़ नीचे आया और अगेन अपने इस सपोर्ट लेवल पे इसको जो है सपोर्ट मिला है। आज अमेरिका में अमेज़न और एप्पल के नतीजे हैं, तो नतीजे कैसे आते हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। सिमिलरली अगर आज हम देखें जो सेक्टोरल मूव्स थी, सेक्टर मूव सारी पॉजिटिव थी, और अनलेस हम जो है 17100 को वापस नीचे की तरफ ब्रेक करें, मेरे हिसाब से और अपसाइड यहां पे आ सकती है। 17320 जो आज का भी हाई था, और एक दिन पहले आप लोगों को याद होगा कि उस दिन का भी हाई था इस दिन का 17315, तो उसके ऊपर अगर चलता है तो आपको और फॉलो थ्रू मिल सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा मार्केट बॉयंट भी रखी जा सकती है, क्योंकि LIC IPO है और बहुत अच्छा नहीं होगा अगर जो है ओवरऑल IPO में जो है मार्केट सॉफ्ट जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हम नीचे जरूर आए हैं, लेकिन अगर हम एक हायर लो बनाकर वापस ऊपर जाते हैं और अगले एक दो दिन में ये 17315 क्रॉस करते हैं, तो वापस यहाँ पे एक पुल बैक रैली की शुरुआत हो सकती है। ऑब्वियसली 4 मई को फेड इवेंट है और मार्केट्स चौपी भी रह सकती हैं, लेकिन जो मेरा व्यू बन रहा है वो ये है कि काफी अब हद तक हैमरिंग हो चुकी है और मार्केट्स जो हैं थोड़ी बहुत बेसिंग कर रही है। तो कल से देखते हैं कि नई एक्सपायरी में किस तरह की आपकी अपसाइड शुरू होती है और लॉन्ग पोजीशंस कैसी बनती हैं, क्योंकि अप्रैल जो है काफी एक खराब मंथ रहा है और बाजार जो है रेंजिंग है। तो एक रेंजिंग मार्केट में आपको एक महीना डाउन और दूसरा महीना अप होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मंथ था मार्च का, अप्रैल में थोड़ा सा रेस्ट मिला है और मई में दोबारा रैली कंटिन्यू हो सकती है। एटलीस्ट कुछ अपसाइड देखने को मिल सकती है, गिवन के सरकार का बहुत इंटरेस्ट है कि बाजार जो है अच्छी रैलिंग मोड में रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस हफ्ते की अगर हम कैंडल देखें तो ये अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल है, और यहाँ से वापस रैली अगर स्टार्ट होती है तो आपको अच्छी अपसाइड मिलेगी। ये बहुत क्लियर है कि जो लेवल 16800 हमारा है
वही 4150 S&P 500 का है, तो रिस्क रिवॉर्ड वाइज शायद इमीडिएटली दोनों जगह जो है ये रीसेंट सपोर्ट्स टूटने का कम अंदेशा है। क्या हो सकता है कि आप जो है S&P 500 में रैली करें और वापस 4600 तक चले जाएं, एटलीस्ट 4500 तक चले जाएं, ये जो 200 DMA है यहाँ तक, तो ये हो सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा डिक्लाइन आ चुका है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपका कल का दिन अच्छा रहे। ये आपको प्रेजेंटेशन 5paisa.com की वजह से पहुंची और आई होप यू हैव अ गुड नाइट और कल का दिन आपका बेहतर रहे। टेक केयर एंड गुड लक।